प्राणियों में पोषण भाग एक। इस कहानी के उद्देश्य हैं क, समझना कि पाचन क्या होता है, ख, मनुष्य की पाचन क्रिया को समझना, ग, चबाने से अमाशय यानी पेट तक की खाने की यात्रा। नमस्कार बच्चों, कैसे हो तुम सब? क्यों, मुझे देखते ही मुंह में पानी आ गया ना? मैं हूं फलों का राजा आम। मैं खाने में स्वादिष्ट तो हूं ही, उसके साथ मैं आप सबको भरपूर पोषण भी देता हूं। मैं और मेरे अन्य मित्र जैसे सेब, संतरा, हरी सब्जियां, दाल, रोटी, दूध सब मिलकर आप सभी को स्वस्थ रखते हैं। पर क्या आपको पता है, जब आप हमें खाते हैं तो हमारा पाचन कैसे होता है? आपके मुंह के स्वाद से लेकर पेट की यात्रा में हम शरीर के अलग अलग भागों से गुजरते हैं। आइए इस वीडियो के पात्रों के साथ पाचन के इस सफर पर चलते हैं। माँ माँ, बहुत भूख लगी है। आज तो स्कूल में बहुत खेला और पढ़ाई भी बहुत हुई। जल्दी से कुछ खाने को दे दो। हाँ माँ, आज तो थक गए। वाहनों के चलने के लिए जैसे पेट्रोल की जरूरत होती है, उसी तरह हमें खाना खाकर अपने काम करने की ताकत मिल जाएगी। कुछ देर ठहरो बच्चों, अभी खाना देती हूँ। तब तक ये सेब खा लो। हाँ, आज ही विज्ञान की अध्यापिका हमें बता रही थी कि फल, हरी सब्जियाँ, दूध हमारे पोषण के लिए बहुत आवश्यक है। अच्छा, सोनू को भी समझाओ, वह फल नहीं खाता। क्यों सोनू, है ना? दोस्तों, अच्छी सेहत के लिए फल खाना बहुत आवश्यक है। आप सब भी रोज कम से कम 3-4 फल जरूर खाएं। पता है सोनू, टीचर जी बता रही थी कि हमें संपूर्ण आहार खाना चाहिए, जैसे फल, दूध, अंडे, दाल, चावल आदि। इन सब से हमें प्रोटीन, वसा यानी कि फैट आदि मिलता है। जो भोजन हम खाते हैं उसका हमारा शरीर उस रूप में पाचन नहीं कर सकता, इसीलिए उसको आसान प्रकार के तत्वों में बदला जाता है। कैसे? इसी प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ये लो बच्चों, खाना खा लो। वाह माँ, चटनी कितनी स्वादिष्ट है। हमारी जीभ भी कितनी समझदार है। मीठा, खट्टा, कड़वा, हर स्वाद का पता लगा लेती है। हाँ, सही कह रहे हो सोनू। जैसे गोलगप्पों के बारे में सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है। हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिनकी सहायता से हमें अलग अलग स्वाद का पता चलता है। जीभ भोजन में लार यानी सलाइवा भी मिलाती है और फिर भोजन को निगलने में मदद करती है। मेरा स्वाद कैसा होता है दोस्तों? कभी मीठा और कभी खट्टा। फिर हम खाने को ऐसे निगलते हैं, वो पेट में जाता है और हमें ताकत देता है। कितनी आसान प्रक्रिया है पाचन की। नहीं सोनू, पाचन की प्रक्रिया का मार्ग बहुत लंबा है। यह मुख गृहिका यानी बकल कैविटी से शुरू होकर गुदा तक जाता है। इसे आहार नाल, एलिमेंट्री केनाल कहते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं पाचन नली में? चल सोनू, एक चित्र बनाते हैं। मैं तुझे पाचन प्रक्रिया के बारे में समझाती हूँ।
कल इस विषय पर मेरी परीक्षा भी है, तो तुझे समझाने की वजह से मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी। ये देख, भोजन इस लंबी नली जिसे मुख गृहिका या ग्रास नली ईसोफेगस कहते हैं से आमाशय में पहुंचता है। आमाशय और आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल की विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड्स, यकृत, लिवर, अग्नाशय, पैनक्रियास, पाचक रस, डाइजेस्टिव जूसेस स्रावित करती हैं। चल अब देखते हैं कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण इंजेशन कहलाती है। दीदी, हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं ना, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। सही कहा सोनू, पता है हमारे दांतों की बनावट अलग अलग है और उनके कार्य भी अलग अलग हैं। हाँ देखो, ये आगे वाले और पीछे वाले दांतों की बनावट अलग है। हाँ सोनू, यह देख इस सूची में पढ़, मैंने अलग अलग दांतों की जानकारी लिखी है। प्रत्येक जबड़े में संख्या, दांत का नाम, दांत का कार्य, 4 कृंतक खाने को काटने का काम, 4 रद्नक खाने को फाड़ने का काम, 4 अग्रज वर्णक खाने को चबाने का काम, 6 चावर्णक खाने को चबाना। अरे वाह, ये तो नई बात पता चली मुझे दीदी। दीदी, कई बार हमें खाना खाते समय हिचकी या खांसी क्यों आती है? एक और मजेदार बात बताऊं दोस्तों, क्या आपको याद है कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? क्योंकि आपके दांतों का प्रथम सेट दूध के दांतों का होता है, जो लगभग 8 वर्ष की आयु में गिर जाते हैं। इन दांतों के स्थान पर जो नए दांत आते हैं उन्हें स्थायी दांत कहते हैं। मैं बताती हूँ सोनू, जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं या बात करते हैं जैसे तुम करते हो, तो खाना हमारी श्वास नली में गलती से प्रवेश कर लेता है, जिसकी वजह से हमें खांसी आती है। अब से मैं ध्यान दूंगा कि मैं खाते समय बातें ना करूं। दीदी, फिर आमाशय में क्या होता है? आमाशय एक थैली के जैसा होता है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर ग्रसिका से जुड़ा हुआ है और दूसरी ओर से क्षुद्रांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। क्षुद्रांत्र में क्या होता है? पहले ये समझ लेते हैं कि आमाशय में क्या होता है। आमाशय की आंतरिक दीवार पाचक रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मल स्रावित करती है। वह प्रोटीन और वसा के पाचन में मदद करते हैं। अम्ल अनेक जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां पहुंच जाते हैं। साथ ही यह भोजन को अम्लीय बनाती है, जो पाचन रसों को क्रिया करने में सहायता देते हैं। भोजन का तो रूप ही बदल जाता है आमाशय तक पहुंचते पहुंचते। भोजन आगे और भी कई भागों से गुजरता है। बताओ ना दीदी, आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? मैं तुम्हें भोजन के आगे का सफर शाम को बताऊंगी। चलो अब हम कुछ देर के लिए आराम कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों, भोजन खाने की नली से गुजरते हुए आमाशय तक पहुंचता है। हमें खाने से लेकर पाचन तक
एक बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। हमने इस वीडियो में समझा कि पाचन क्रिया में मुंह से आमाशय तक के सफर में क्या होता है।